जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट की तरफ से न्यू वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 23/10/2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और 22 नवंबर 2022 तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर बता दिया गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसका फिल करना होगा। लास्ट डेट आप सभी को क्लियर कर दी गई है 22 नवंबर 2022। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि जो आपकी प्रोविजनल लिस्ट होगी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की 6/12/2022 को जारी कर दी जाएगी, यानी कि तुरंत इसकी लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला, डायरेक्टली आपकी मेरिट बेसिस पे भर्ती कंप्लीट होगी। अब इसमें अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं, आप सभी को सबसे नंबर वन पे दिख जाएगी पोस्टल असिस्टेंट पीए, पोस्टल ऑफिस सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर सेकंड पे आपको दिख जाएगी सॉर्टिंग असिस्टेंट रेलवे मेल सर्विसेज, एंड नंबर थर्ड पे आपको दिख जाएगा पोस्टमैन इन पोस्ट ऑफिस एंड मेल गार्डियन रेलवे मेल सर्विस। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस इन पोस्ट ऑफिस रेलवे मेल सर्विसेज एंड सर्किल ऑफिस में जॉब रहेगी। तो साथ ही में यहाँ पे आप सभी को टोटल आप सभी को दिख गए चार टाइप की यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं, साथ ही में पूरी चीजें क्लियर कर दी गई हैं। पे स्केल को लेके काफी लोगों को डाउट रहता है कि पे स्केल इतनी नहीं होती, तो साथ ही में आप देख सकते हैं पे स्केल यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट की जो सॉर्टिंग असिस्टेंट रहेगी इसकी 25,500 से लेके 81,100 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। लेवल 4 की सैलरी आपको दी जाएगी। साथ ही में पोस्टमैन एंड मेल गार्ड की अगर मैं बात करूँ तो 21,700 से लेके 69,100 रुपये, एंड आपकी एमटीएस की बात करूं तो 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ तक आपकी ये सैलरी रहेगी। तो चारों पोस्ट के लिए अलग अलग आप सैलरी देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है एज क्राइटेरिया की, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया कितना आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर थर्ड पे दिया गया एज के बारे में, तो आप सभी देख सकते हैं कि आपकी जो एज लिमिट होगी 25/11/2022 से काउंट की जाएगी, जो कि सर्कुलर डेट है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो एज होगी वो काउंट की जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे पोस्टल असिस्टेंट की जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 27 साल, पोस्टमैन एंड मेल गार्ड की जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 27 साल, साथ ही में एमटीएस के लिए रखी गई है 18 से 25 साल। यानी कि इन पोस्ट के लिए तो 18 से 27 साल का कैंडिडेट इलिजिबल रहेगा। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करने तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल। जो एज काउंट होगी वो 25/11/2022 से आपकी एज की गणना की जाएगी, तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 और एमटीएस में आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। अब यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी है तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट मिल जाएगी। बाकी की कुछ डिटेल्स हैं जो कि आप सभी के साथ शेयर की गई हैं। अब चलते हैं यहाँ पे वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी पोजीशंस के बारे में आप सभी को कैडर वाइज वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं आप सभी को क्लियर किया गया है। तो अगर पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास 12 पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैं अब बात करें कि यहाँ पे पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए, तो देखिए एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप सभी के पास 60 डेज का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। कहीं से भी आपने कर रखा है लेकिन 60 दिन का कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है जिसमें आपने बेसिक कंप्यूटर सीखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर पोस्टमैन एंड मेल गार्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 12 पास आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्लियर लिख दिया गया है कि पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए 12 पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ ही में कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 10th पास आप होने चाहिए और आपको गुजराती की नॉलेज यानी जो लोकल लैंग्वेज रहेगी उसकी यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैंने क्लियर कर दी है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कब से लेके कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 7 पे जो बात आती है वो आती है स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी, जो कि 25/11/2021 को आपकी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपसे मांगा गया है। यानी कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, चाहे स्कूल गेम्स फेडरेशन की तरफ से आप खेले हों या यूनिवर्सिटी की तरफ से आप खेले हों या स्टेट की तरफ से, नेशनल की तरफ से या इंटरनेशनल किसी भी गेम में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट स्कूल टीम की तरफ से भी अगर आपने रिप्रेजेंट किया तो भी आप खेल सकते हैं, चाहे आपके पास इंडिविजुअल गेम्स में हो या आपके पास टीम गेम्स में हो, तो आपके पास किसी में भी कोई भी सर्टिफिकेट हो सबसे अच्छी बात यह रहेगी। यहाँ पे नंबर ऑफ गेम्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 64 गेम्स की कैटेगरी बताई गई है जिसमें क्रिकेट जैसा गेम भी शामिल है। सबसे ज्यादा कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट होता है टीम में गेम्स का, तो आराम से मिल जाता है, स्टेट यूनिवर्सिटी वगैरह का भी मिल जाता है, इंटर यूनिवर्सिटी का मिल जाता है और स्टेट स्कूल का फेडरेशन का भी मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं हॉकी का हो, जिमनास्टिक का हो, फुटबॉल का हो, साइकिल पोलो, क्रिकेट, कैरम,
फॉर्म सभी का यहाँ पे दिया गया, ऑलमोस्ट आपको हर एक कैटेगरी में मिल जाएगा। टोटल 64 गेम्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो आपके पास कोई भी बस सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाकी की जो डिटेल्स हैं वो इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दी गई हैं। देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कौन सी वेबसाइट से जाके आपको अप्लाई करना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे, क्योंकि आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो नंबर 12 पे देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आप सभी को बता दें कि ऑनलाइन मोड ही आपको यूज करना है, ऑफलाइन आप फॉर्म सबमिट नहीं करवा सकते। तो जो ये वेबसाइट आप सभी को दिए रखी है dopfurtrecruitment.in, इस वाली वेबसाइट से जाके आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने में अगर कोई दिक्कत आती हो, लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से जाके आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहेगा मेल एंड फीमेल, तो आपको क्लियर कर दें कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं और दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन रहता है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा या इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर मैं बात करूं तो केवल 100 रुपये यहाँ पे फीस आपको पे करनी है। आप फीमेल कैटेगरी या SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फीस एग्जाम्प्ट रहेगी और आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल मैंने नोटिफिकेशन आप सभी को दिखा दिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट की तरफ से जारी किया गया है। 22 तारीख को इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था, 22/10/2022 को। तो ये पूरी अपडेट आप सभी को मिल गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कब से लेके कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, अंदाज यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 22/10/2022 को इसे जारी किया गया था और यहाँ पे जो डेट रखी गई है 22/11/2022 इसकी लास्ट डेट है, जब तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप सभी को बता दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो।